नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस के अंदर में। कल बहुत ही क्लियरली हमने एक लेवल एनालिसिस की थी। हमने कहा था कि 17,030 का एक मेजर सपोर्ट रहेगा। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, प्लीज जाके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। 17,030 का लेवल हमारा था कि इसके नीचे निफ्टी नहीं जानी चाहिए। उसके नीचे फ्री फॉल की बात करेंगे, फर्दर करेक्शन की बात करने वाले हैं। बट 17,030 अगर मेंटेन हो जाता है तो बाजार में अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बहुत ही क्लियरली कहा गया था। अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये हमारी कल की कैंडल है। कल की कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लो 17,048 का लो हमारा लगा है। फ्यूचर्स की बात करें, क्योंकि ट्रेडिंग हम वहां करते हैं, 48 का लो लगा, 30 का लेवल ब्रीच नहीं हुआ गाइस। ये होती है सही स्टडी। अगर आप ढंग से बाजार को स्टडी कर लेते हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो बाजार में आप मात नहीं खा सकते। डेली में पोस्ट मार्केट की वीडियो आपको क्यों बना के देता हूं, ताकि आप जो लेवल एनालिसिस मैं करके दे रहा हूं, अपनी स्टडी से मैच करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं होता कि बाजार में अंधाधुंध कल उठेंगे, 9:15 पे देखेंगे प्री मार्केट कैसी खुली है, उसको देख के बाजार में ट्रेड करेंगे। प्री मार्केट को देखिए, बाजार में ट्रेड करना है बहुत ही मैच्योर काइंड ऑफ ट्रेडिंग होती है। जब तक आप एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, जब तक आप इस तरह से काम नहीं करते कि भाई बाजार में अब क्या करना है, क्या हो सकता है, अगर ये लेवल टूटेगा तो क्या होगा, वो लेवल टूटेगा तो क्या होगा, जब तक आप ये स्टडी नहीं करेंगे गाइस, आप बाजार में कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ट्रेडिंग करने वाले हैं, आप सही जगह पर जाकर ट्रेडिंग कीजिए, सही प्राइस एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। लुक एट दिस कैंडल। एक्चुअली जब बाजार लगातार गिर रहा था, 17,800 से गिरते गिरते बाजार आया था, और नीचे में ये जो लो लगाया है इसको मार्क करने की कोशिश करें, ताकि यू कैन वॉच दिस वेरी वेरी क्लियरली कि हम सही भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। लेट अस मेक दिस 17,045 के आसपास का दिखा रहा है, बट अगर कैंडल के ऊपर हम लेके आएंगे तो 17,048 का लो लगा है, क्योंकि एग्जैक्ट लाइन को मार्क करना बड़ा मुश्किल कभी कभी चार्ट पे हो जाता है। बट यू कैन सी दैट द 17,048 वाज द लो। नाउ उसके बाद में बहुत ही क्लियर हमारे जो लेवल एनालिसिस रहते हैं, मैं बिल्कुल अपने नोट्स बना के रखता हूं गाइस। ये मेरे नोट्स बने होते हैं, मैं अपनी स्टडी करता हूं उस डिसाइजन के अंदर कि अब बाजार कहां से कहां जाएगा। ये पूरी पूरी बुक मैं छाप देता हूं शाम को बैठ के कि क्या करने वाला हूं, किस स्टॉक में काम करूंगा, किस में काम नहीं करूंगा। मैं ट्रेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी में करना पसंद करता हूं, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करता हूं। स्टॉक्स में मेरी स्विंग ट्रेडिंग होती है, मेरी इन्वेस्टमेंट होती है। ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी से बढ़िया अंडर लाइन कुछ भी नहीं है। अब लेवल क्या निकल के आते हैं, अब मेरा बहुत ही क्लियर लेवल है 17,556। जब तक 17,556 नहीं क्रॉस करता तो माई लेवल विल बी 17,556। अगर ये क्रॉस कर जाता है तो इसके बाद में हमारा जो पहला पड़ाव आएगा 17,689, 17,690, उसके बाद में 17,822। ये मेरे लेवल रहने वाले हैं निफ्टी के लिए गाइज। और यहाँ पे जो मेरा स्टॉपलॉस रहेगा, स्टॉपलॉस निफ्टी के लिए रहने वाला 17,292 रुपए का। देखिए आप कहेंगे निफ्टी में इतना बड़ा स्टॉपलॉस क्यों दे रहेगा, ट्रेडिंग करने के लिए आप बाजार में मत आइए, पैसा बनाने के लिए बाजार में आइए। साइकोलॉजी को जब तक चेंज नहीं करेंगे ना कि बाजार से पैसा बनाना है, आपको पैसा नहीं बनेगा। जब तक आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे काम करना नहीं सीखेंगे, आपका बाजार में काम करना बेकार है। कुछ भी कर लीजिए, सब बेकार है, पैसा जाएगा ही जाएगा। आप सोचते हैं कोई आपके पास कोई जादू की छड़ी आनी चाहिए कि भाई 10 रुपए का स्टॉप लॉस हो और 200 रुपए का टारगेट हो, ऐसा नहीं होता है ना। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपकी फेवरेबल होनी चाहिए, आपके समझ में आना चाहिए। बट अगर आपने अपनी स्टडी ही नहीं की है तो रिस्क रिवार्ड रेशियो भी फेल हो जाएगी, सब फेल हो जाएगा। इसलिए पहले स्टडी कीजिए, देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स कहां पे है, वहां पे एवरेज कीजिए, उससे रीटेस्ट करने जा सकते हैं। और अगर 17,030 का लेवल अगर रीटेस्ट होता है और ये इस बार ब्रेक होता है तो फिर हम वापस 16,000 के आसपास निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे, वहां पे हो सकता है। बट इफ दिस गिव्स यू ब्रेकआउट, 17,800 से ऊपर निकल जाएगा तो बाजार फिर भूल जाएगी, बाजार यहां से नीचे आने वाला, फिर बाजार समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको कहा था बजट के एक महीने बाद की जो तेजी होगी वो तेजी बहुत ही शानदार होगी, अभी आप समझ लीजिए इसी को लेके। अब यूएस फेड रेट को लेके बाजार में जो आशंकाएं हैं है, कोई बात नहीं, बट बाजार आपके सामने है, बाजार के साथ ही रहने की कोशिश कीजिए, बाजार से दूर जाने की कोशिश आप लोग ना करें बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसा रुझान है गाइस, ये देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी एग्जैक्ट सेम पैटर्न है, बैंक्स का ही रिवाइवल रहा। आप देख सकते हैं यहां पे बैंक निफ्टी की और निफ्टी की कैंडल्स में कुछ खास फर्क नहीं, वहां भी एक डॉजी थी एट द डाउन ऑफ द बॉटम, जो डाउनफॉल रहता है, जो फॉलिंग ट्रेंड रहता है उसके बॉटम में जब डॉजी बनती है तो वहां पे एक्सपेक्टेड एक रिटर्न की कामयाबी मिल जाती है आपको। तो यहां पे जो अब मैंने कैलकुलेशन की है, जो मुझे समझ में आ रहा है, अब जो नेक्स्ट ब्रेकआउट होने वाला है वो 38,809 के ऊपर में होगा, ये भी आपको लिख देता हूं। तो नेक्स्ट ब्रेकआउट अब 38,000
809 इसके ऊपर ही ब्रेकआउट होगा और हमारे जिस टारगेट्स के लिए मैं प्ले करने वाला हूं बैंक निफ्टी को वो मेरे टारगेट बहुत ही शानदार होने वाले हैं। टारगेट्स मेरे रहेंगे इसके ऊपर में 39,000 का मेरा पहला टारगेट रहने वाला है, दूसरा टारगेट मेरा रहने वाला है 39,200 का और तीसरा टारगेट मैं प्ले करने वाला हूं 39,400 का। मतलब कम से कम 400-500 पॉइंट यहां से आराम से मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मुझे लगाना होगा बैंक निफ्टी बहुत ही क्लियर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होगा वो होगा 38,612 का। इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा निफ्टी बैंक निफ्टी टूट सकते हैं इसके नीचे वापस से 38,400 और 38,200 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, 38,220 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब समझने की कोशिश कीजिए कि बाजार को आज किसने चलाया, एक नजर उस पर डाल लेते हैं कि बाजार में चलाने वाली कौन सी चीज रही। निफ्टी बैंक को देखने की कोशिश की, निफ्टी बैंक 1.5% चली है, निफ्टी मेटल हमारा चला है कुछ 2% के आसपास, मेटल ने बाउंस बैक दिया है, रियलिटी ने 0.5% की तेजी दिखाई है, आईटी ने 1.5% के आसपास की तेजी दिखाई है, इंफ्रा भी थोड़ा सा चला है, एफएमसीजी फ्लैट लॉ फार्मा में भी ठीक ठाक से आपको एक रैली देखने को मिली और मेटल में जैसा मैंने आपको कहा था मेटल में तो एक बॉटम पहले ही बन चुका था, अब मेटल अपने एक अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो गाइस मैंने आपको उन 7 सेक्टर और शेयर्स के ऊपर बना के दी है जो बजट स्पेसिफिक पिक्स हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपकी स्क्रीन पे जो टाइटल आ रहा है आप जाके इसको क्लिक कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस और बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने के लिए। गाइस अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, आपको लगता है मेरा कंटेंट में कुछ दम है और बाकी लोगों में शेयर होना चाहिए तो लाइक करने के साथ अपने इस कंटेंट को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को हिट करना बिल्कुल ना भूले ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको कभी भी मिस ना हो। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और अपनी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते रहिए। जय हिंद।